गुजरा तो मैं जी माऊं तो ब्राह्मण तेरा भले ही लग जाएगी। अभी आप ऐसा करो, अभी हमें जाने दो और उसके बाद में जिस दिन मैं चली जाऊं उस दिन द्वारका में आना और आनंद सहित बैठ करके आप भोजन को ग्रहण करना। जवाब दिया, लो आ जाओ करो बात। जब घर में जब भोजन नहीं खिला सकती है तो 750 को उस द्वारका में कौन जाएगा। अब हुआ ऐसा, जवाब दिया रुक्मिणी समय मत लगा, जल्दी कर क्योंकि भगवान खड़े हैं रथ को लेकर के। अब रुक्मिणी अपने मैया के पास में पहुंची, जवाब दिया माँ अपने दिल में यही समझ ले कि आज तेरे सांगन को छोड़कर के तेरी बेटी जा रही है। रुक्मिणी रोने लगी है, जवाब दिया आज क्यों रो रही है, कल बारात आएगी परसों तेरी बिना होगी। जवाब दिया माँ तू यही समझ ले कि आज ही रुक्मिणी जा रही है। माँ मैं पूजा करने के लिए जाना चाहती हूँ, अगर आप हमें आज्ञा दे दो तो हम भवानी मंदिर में पूजा करके आऊंगी। जवाब दिया बेटी चारों तरफ फौज लगी है, तू पूजा करने के लिए ना जा। जवाब दिया माँ हम जाएंगे। जवाब दिया अगर जा रही हो तो सहेलियों को ले जाओ साथ में। तब तक रुकम आ गए, लड़की कहाँ जा रही है, आरती का थाल लेके कहाँ जा रही है। जवाब दिया भैया भवानी के मंदिर में पूजा करने के लिए, कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें मालूम नहीं है चारों तरफ फौज लगी है, दुश्मन लगे हुए हैं, इधर द्वारकाधीश कन्हैया भी आ चुका है, कहीं नहीं जाऊंगी। जवाब दिया भैया हम सहेलियों को ले जा रही हूँ और भवानी माँ के मंदिर में पूजा करके शीघ्र वापस आऊंगी। रुकम कहने लगा लड़कियों जा रही हो लेकिन एक बात याद रखना, रुक्मिणी को साथ ले जा रही हो और साथ ही लेकर के आना। रुक्मिणी चल रही, जब रुक्मिणी चल रही है अब भगवान कन्हैया मन में विचार करने लगे हैं। जब रुक्मिणी मंदिर के करीब पहुंची है तो मन में विचार कर रहे हैं, मैंने तो ब्राह्मण से कहा कि रुक्मिणी को भेजना, ब्राह्मण ने बहुत भेज दी, अब इसमें पता कैसे चले कौन सी रुक्मिणी है। तो रुक्मिणी भगवान के मन की भावना को समझ गई, जब समझ गई है तो रुक्मिणी ने हाथ उठाया, जवाब दिया सहेली ये फौज किसकी है। जवाब दिया ये जरासंध की, ये फौज किसकी है शिशुपाल की, ये फौज किसकी है दंत वक्र की। कंगन हाथ में बंधा देखा, भगवान समझ गए यही है रुक्मिणी। झांकी में कितनी दे रहे हैं देखे आओ, गगरिया मत फोर और सामरिया, गगरिया मत फोर और सामरिया, गगरिया मत फोर और सामरिया, गगरिया मत फोर और सामरिया। Oh,
और ये 51 रुपए हमारे करीब आ रहे हैं तुम्हारी लाल जो इसी ग्राम गौरी महादेवपुर के रहने वाले हैं। 51 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। भगवान सर्वदा प्रसन्न रखे, घर में धन दौलत के भंडार बढ़ते रहें। और ये 20 रुपए आ रहे हैं हमारे करीब राम ब्रज राजपूत साहिबपुर। 20 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा प्रसन्न रखे, घर में धन दौलत के भंडार भरते रहे। यही मेरी इच्छा का आंचय है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब हुआ ऐसा, रुक्मिणी जाकर के पहुंची है और जैसी देखा और देखने के बाद में रुक्मिणी कहने लगी है भगवान के पास में पहुंची। जब भगवान के पास में पहुंची है कहने लगी है तुम्हारा नाम क्या है, तो भगवान कहने लगे अंतर्यामी घट घट वासी, रहते कहाँ हो तुम हर जगह। तब तक और लड़कियां कहने लगी बहन सिर्री है, बिल्कुल सिर्री है, तुमने नाम पूछा तो कह रहा है अंतर्यामी घट घट वासी, तुमने ये पूछा रहते कहाँ हो तो कह रहे हैं कि हर जगह। अब हुआ ऐसा, जवाब दिया ये तुम्हारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है बंसी, बजा के दिखाओगे। जवाब दिया अभी नहीं बजाएंगे, अगर हमने बजाई अभी पसुरिया और चारों तरफ लगी है फौज सब तोड़ देगी पसुरिया, बिना मतलब के काम हम नहीं करते हैं, आज नहीं बजाएंगे। जवाब दिया दिखा सकते हो, हाँ दिखाएंगे। जैसे ही बंसी नीचे बढ़ाई है वह जैसे ही रुक्मिणी ने ऊपर हाथ बढ़ाया वैसी भगवान ने कलाई पकड़ी और रुक्मिणी को रथ में बैठाया लेके चले। अब सहेलियां भी वो भाग खड़ी गई, सहेलियां चिल्लाती हुई भाग खड़ी है, गजब हो गया कि बहना को ले गयो कारोरी सिस पाल रह गयो भागवत कथा में दान कर रहे हैं प्रेमपाल यादव जो इसी ग्राम गौरी महादेवपुर के रहने वाले हैं। 1000 रुपए भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों के सदा हाथ धर्म के कार्य में ही आगे बढ़ते रहें, यही मेरी इच्छा कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब इधर जैसे ही देखा रुक्मिणी लड़कियां भागती चली जा रही हैं, रुक्म कर ए लड़की रुक्मिणी का है, रुक्मिणी का है। जवाब दिया भैया पता नहीं कोई कालो कालो सो तो
रथ पे बैठा के रुक्मिणी को ले गो और रुक्मिणी भी आराम से बैठ गई और चली गई रथ में बैठ के। रुकुम मन में विचार करने लगा और कोई नहीं हो सकता है सिवाय कन्हैया के अलावा, माखन चुराने वाला, माखन की चोरी छोड़ करके अब लड़कियों की चोरी करने लगा है। रुकुम भाग खड़ा हुआ, आवाज लगाने लगा है, अगर माँ का दूध पिया है तो खड़ा हो जा। आवाज लगाई रुकुम ने, दो कुर्सी की व्यवस्था करा बिल्कुल। दो कुर्सी मंगवाओ, दो कुर्सी। बोलिए कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब इधर रुकुम लेकर के चला, रुकुम इधर चला है, चारों तरफ से घिरवा लिया कन्हैया को, जवाब दिया माखन की चोरी करने वाला जरा सा ग्वाला, जब माखन नहीं मिली तो लड़कियों को चुराने लगा, घेर लिया। जब घेरा है इधर, जब गाली देने लगा है रुकुम, भगवान रथ से नीचे उतर के आए, रुकुम को पीछे बांध लिया रथ के, और रथ के पीछे बांध करके रुकुम को भगवान लेके चल रहे। जैसी मारना चाह तैसी रुकमणी हाथ जोड़ के खड़ी होगी, ये बाबू क्षमा करना भगवान, मेरा भाई है, अगर आपने इसे मार दिया तो संसार वाले हैं, उनका मुंह बंद नहीं कर पाऊंगी। संसार ये कहेगा भागने के पीछे अपने भैया की हत्या करवा दी। रुकमणी रोने लगी है, अरे कैसे याद है
जब की है बिंदी और ये 50 रुपए महेश धोरेराम, 50 रुपए राज बहादुर गड़िया साहेबपुर हमारे मामा जी हैं, 50-50 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा प्रसन्न रखे, घर में धन दौलत के भंडार बहते रहे, यही मेरी इच्छा का आंचा है। और ये 111 रुपए हमारे करीब आ रहे हैं हरीश घिरिया, और 20 रुपए आ रहे हैं छोटी लाल बगराई, छोटी लाल यादव बगराई, 20 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा प्रसन्न रखे, घर में धन दौलत के भंडार भरते रहे, यही मेरी इच्छा का आंचा है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब हुआ ऐसा, रुकुम को छोड़ दिया भगवान ने, तो रुकुम गया नहीं वापस, रुकुम का सिर गंजा कर दिया। और ये 11 रुपए हमारे करीब आ रहे हैं जो हमारी चाची जी पिंटू की, टीटू की मम्मी, उनकी तरफ से 10 रुपए से हमें सम्मान कर रही हैं। भगवान सर्वदा प्रसन्न रखे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब हुआ ऐसा, सिर गंजा कर दिया है रुकुम का, छोड़ दिया, लेके रुकुम वापस कुंदनपुर में नहीं गया, भोजकट नाम की नगरी बसाई जो अभी भी बसी हुई है वहां चला गया रुकुम, लेकिन लौट करके कुंदनपुर में नहीं गया। शर्म की मारे, शर्म की वजह से, लज्जा के कारण भोजकट नाम की नगरी बसाई, वहां पर रुकुम बस गया। अब इधर घेर लिया किसने, शिषपाल ने। जवाब दिया कन्हैया, रुकुमड़ी को लेकर मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। शिषपाल गाली देने लगा है, भगवान ने हाथ में चक्र उठाया, जैसी चलाना चाहा वैसे ही शिषपाल की माँ सामने पहुंच गई। जवाब दिया, हमारे एक ही पुत्र है, आप ना मारो। जवाब दिया, माँ 100 गालियां मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, 100 के बाद में अगर एक भी गाली इसने दे दी तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शिषपाल नहीं माना, भगवान को अंत में शिषपाल का वध करना पड़ा, शिषपाल का वध कर दिया। इधर हुआ, दंत बकर की फौज सामने भगवान के करीब पहुंच गई है, इधर बलराम आए हैं। जवाब दिया, रुक्मिणी ए लड़की कहां से आई है, क्या नाम है तेरा, और रथ में बैठ के जा रही है, शर्म नहीं आ रही है तुझे, अपने माँ बाप को छोड़ करके भाग के जा रही है तू। जवाब दिया, दाऊ जी मेरा भैया बहुत बुरा कर रहा था, अपने साले के साथ में विवाह कर रहा था। जवाब दिया, रुक्मिणी चिंता मत करो तुम, और कन्हैया तुम रुक्मिणी के करीब रहो, ये शिषपाल की फौज और दंत बकर की फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है। भगवान के कहने के अनुसार बलराम ने हलमूसल हाथ में उठाया। Yeah.
शस्त्र था। इधर जितनी भी फौज थी बलराम ने देखते देखते सारी फौज का विनाश किया है और रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में पहुंच गए। अब हुआ ऐसा, द्वारका में जाकर के पहुंचे हैं। जब द्वारका में जाकर के पहुंचे हैं, जितनी भी द्वारका की स्त्रियां थी सब आकर के पहुंच गई हैं और इधर मंडप गढ़वाया है द्वारका में। जब मंडप गढ़वाया है उसके बाद में हंसी खुशी के साथ में इधर कृष्ण का और रुक्मिणी का जब विवाह होने लगा है। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। बैठ जाओ भागवत श्रोता। इधर जब जयमाला पड़ी है इधर सहेलियां आई हैं और कुछ गाने लगी। गाली देती भाई भगवान कन्हैया से बोली है कन्हैया कि तुम परीक्षित महाराज अवल दे भैया ये पति चारों लोग सबसे पहले खड़े हो जाओ। करो कन्यादान, खड़े हो जाओ, तिलक करो, तिलक की कटोरी दे दो और हमारी माता बहन भाई बंधु एक एक करके उठ के आएंगे। कन्यादान भैया बटवार हो कई बार हो तो कन्यादान से बड़ो कोई दान है। तिलक की कटोरी का लाओ, तिलक करो और कन्यादान करो, हमारी माता बहन एक एक करके उठे आएंगे। ठीक है